सबको हंसाने वाले रणवीर 83 की शूटिंग के दौरान रो पड़े, डायरेक्टर कबीर सिंह ने किया खुलासा। बॉलीवुड के बाजीराव रणवीर सिंह बीते दिनों से अपनी फिल्म 83 को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। 83 की शूटिंग रणवीर बीते काफी वक्त से रणवीर कर रहे थे। हाल ही में फिल्म की शूटिंग भी खत्म हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का रोल करेंगे। फिल्म को कबीर खान बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग काफी वक्त लंदन में चली है। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद इसकी रैप अप पार्टी भी हो चुकी है। वहीं हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने रणवीर सिंह का एक किस्सा शेयर किया है। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह रो पड़े थे। कबीर खान ने बताया कि क्लोजिंग सीन के शूट के बाद रणवीर ने भारी मन से कट कहा था। कबीर ने बताया कि लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में 5 दिन तक फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम और लॉकर रूम दोनों का इस्तेमाल किया था। दरअसल जिस तरह से असलियत में कपिल देव को बालकनी में जाकर वर्ल्ड कप दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से ही वो सीन रणवीर के साथ शूट किया गया। फिल्म के आखिरी शॉट में असली वर्ल्ड कप के साथ शूटिंग खत्म की गई। जब ये सीन खत्म हुआ तो रणवीर की आंखें नम हो गई और रो पड़े। रणवीर के अंदर खुशी और दुख दोनों ही देखने को मिल रहे थे। रणवीर जो रोल करते हैं वो खुद उसे जीतते हैं, ऐसे में उनके लिए ये रोल भी उतना ही स्पेशल था। कबीर खान ने कहा कि रणवीर ने कपिल देव के रोल को इतनी शिद्दत से प्ले किया है कि खुद कपिल की बेटी अमिया देव, जो कि सेट पर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद थी, उन्हें भी यह देखने के बाद अजीब लगता था। खैर अब जो भी हो, रणवीर इसीलिए तो लोगों के फेवरेट हैं। फिल्म में रणवीर सिंह की रियल लाइफ पार्टनर और वाइफ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म में दीपिका कपिल देव की पत्नी रोमी देव का रोल करेंगी। रियल लाइफ के बाद पहली बार ये कपल पर्दे पर पति पत्नी का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के अलावा ताहिर राज भसीन, साकिब सलीम, अमी विर्क, आरवी संधू, जीवा, साहिल खट्टर, आर बद्री, पंकज त्रिपाठी, जाकिर हुसैन, चिराग पाटिल, आदिनाथ कोठारे, धीरा करवा, दिनकर शर्मा, जतिन सरना, निशांत दहिया जैसे स्टार्स शामिल हैं। यह फिल्म सिनेमा घरों पर अगली साल 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी।